बिना भेदभाव के योजना का लाभ हर गरीब को प्राप्त हो, हर वंचित हर तबका उसका लाभान्वित बने, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज हम सब आपके बीच यहां पर उपस्थित हुए हैं। आज देखिए गोरखपुर में या प्रदेश में विकास हो रहा है, सुरक्षा का बेहतर माहौल है, तो पूरा देश का हर नागरिक आकर के अभिभूत होता है, खुश होता है। विकास उसको एक पहचान देती है, उसके बारे में लोगों की धारणाएं बदलती है और इसके लिए प्रयास करना होता है, एक सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होती है। केंद्र में और राज्य में एक जैसी पार्टी की सरकार का यही लाभ है कि बिना भेदभाव के शासन की योजना हर व्यक्ति तक पहुंच जाती है, विकास भी होता है, रोजगार का सृजन भी होता है, गरीब की कमाई भी होती है और साथ साथ शासन की योजना का लाभ उसे बिना भेदभाव के भी प्राप्त हो जाता है। कोई कल्पना करता था इन गरीबों को कभी आवास मिलेगा? आज से 6 वर्ष पहले कोई ये कल्पना करता था कि बिना भेदभाव के किसी गरीब को इस सर्दी में कंबल मिल पाएगा? आज से 9 वर्ष पहले क्या कोई ये कल्पना करता था कि ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, रेलवे का इतना अच्छा कार्य होगा? लेकिन आज यह हकीकत है। आज से 6 वर्ष पहले गोरखपुर में एक जहाज आता था, वह भी कभी कभी आता था, और आज 14 जहाज प्रतिदिन गोरखपुर में आते हैं, प्रतिदिन 14 जहाज। वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ करने के लिए प्रधानमंत्री जी स्वयं गोरखपुर आए, बंद कारखाना, फर्टिलाइजर कारखाना फिर से चल रहा है और गोरखपुर में बीमारी के उपचार के लिए एम्स बन करके आज जनता को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। बीमार बीआरडी मेडिकल कॉलेज आज चिकित्सा का उत्तम केंद्र और उत्कृष्ट केंद्र बनकर के लोगों को बेहतर सुविधा उपलब्ध करा रहा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की परिकल्पना साकार हो रही है, गरीब को मकान मिल रहा है तो मकान में बिजली भी मिल रही है, उज्ज्वला योजना का कनेक्शन भी मिल रहा है, फ्री में राशन भी मिल रहा है और हर घर नल की योजना भी साकार हो रही है। भाइयों बहनों, ये जितनी भी योजनाएं हैं और ये केवल उसी तबके के लिए नहीं, अगर हम देखें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के क्रम में बेटी के जन्म लेने से लेकर के उसके शादी होने तक सरकार पैसा दे रही है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना पहले मातृवंदना योजना से शुरू होता है, फिर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से शुरू होता है, फिर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना लागू होती है, फिर प्रधानमंत्री मुद्रा की योजना भी लागू हो जाती है, प्रधानमंत्री स्वरोजगार की योजना भी लागू होती है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना का लाभ भी ले सकते हैं, पीएम स्वनिधि योजना का लाभ भी ले सकते हैं, गांव में पीएम स्वामित्व योजना का लाभ भी लिया जा सकता है। यानी इतनी योजनाएं हैं, गरीब के लिए मकान भी है, शौचालय भी है, आयुष्मान का 5 लाख रुपए का कार्ड भी है और किसान के लिए किसान सम्मान निधि भी है। इतनी योजनाएं आजादी के बाद कभी नहीं मिली। इन योजनाओं का लाभ इसलिए मिल रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के दिन में एक गरीब के प्रति संवेदना है, उनके उत्थान का भाव है और जब गरीब खुशहाल होगा उसके चेहरे पर खुशहाली होगी तो उसके चेहरे की ये खुशहाली उसको समृद्धि की ओर अग्रसर करेगी और एक नागरिक की समृद्धि भारत की समृद्धि का आधार बनेगा और भारत की समृद्धि का आधार भारत को दुनिया के विकसित देशों की श्रृंखला में खड़ा करेगा। आगामी 25 वर्ष के
इसी लक्ष्य को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रारंभ की है। भाइयों बहनों, विकसित भारत संकल्प यात्रा जिसको लाभ मिला है वह मंच पर आकर के बोले कि मुझे इस योजना का लाभ मिला है, जिसे नहीं मिला है उसका रजिस्ट्रेशन हो और उसको आने वाले समय में योजना का लाभ दिलाएंगे। भाइयों बहनों, हम लोग जो इन लोगों से संवाद करते हैं, संवाद के पीछे का भाव एक होता है भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था लोगों को प्राप्त हो। अगर उसके लिए पैसा दिया जा रहा है, उस गरीब को हर हाल में इस योजना का लाभ मिलना ही चाहिए, यह संकल्पित होकर के जब कार्य किया जाएगा तो इसके परिणाम आएंगे। इसीलिए हम लोग जगह जगह जाकर के लोगों से पूछते हैं कि ये सब मिला है ना, और जब वो कहता हां मिला है तब हमें खुशी होती है कि चलिए दिल्ली या लखनऊ से जो सामान भेजा गया था, जो योजना भेजी गई थी, योजना गरीब को मिल रही, इसका मतलब हमारा प्रयास सफल हुआ। और भाइयों बहनों, अगर सफल प्रयास हुआ है तो फिर उससे ज्यादा खुशी और हमारे हम लोगों को और क्या हो सकती है। और उसी खुशी के साथ हम सब यहां पर आए हैं, एक तरफ योजनाओं का लाभ देने के लिए और दूसरी तरफ आप लोगों के लिए और ढेर सारी योजनाओं की सौगात देने के लिए। जैसे यहां पे कल्याण मंडपम का शिलान्यास हो रहा है, एक कल्याण मंडपम, इसका मतलब है यहां पे कोई भी मांगलिक कार्यक्रम हो, शादी ब्याह का कार्यक्रम हो, मुंडन का कार्यक्रम हो, कोई पार्टी देनी हो, कोई बैठक करनी हो, उसके लिए कल्याण मंडप आपके लिए उपलब्ध रहेगा। नगर निगम के द्वारा इस कार्य को प्रारंभ किया जा रहा है, लगभग 1,90,00,000 रुपए की लागत से एक बड़ा हॉल होगा, 4 कमरे नीचे होंगे, 4 कमरे ऊपर होंगे, पूरे परिवार के साथ। उस दौरान आप वहां पर आकर के अपने अतिथियों को भी टिका सकते हैं और कार्यक्रम को सकुशल संपन्न करके, साफ सफाई करके, फिर चाबी हैंड ओवर करके फिर आप अपने घर में को प्रस्थान कर सकते हैं। यानी इतनी अच्छी अच्छे कार्यक्रम, और ये केवल यहीं पे नहीं, अभी सूरज कुंड में हम देने जा रहे हैं, नतमलपुर में हम देने जा रहे हैं, आपके मोहरीपुर और बरगदवा में इसको देंगे, फिर राप्ती नगर की तरफ देंगे, इधर राम जानकी नगर की तरफ देंगे, शहर के अलग 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 कोने में हम इस सब जगह इस प्रकार का एक कल्याण मंडपम दे रहे हैं। जो लोग महंगे होटल में नहीं जा सकते, महंगे मैरिज हॉल बुक नहीं करा सकते, उसको उसके घर के सामने सरकार अच्छी सुविधा से युक्त व्यवस्था देगी। और एक कल्याण मंडपम उसी श्रृंखला का एक हिस्सा है, इसकी शुरुआत हो रही है। मैं आप सबको बधाई देता हूं, आने वाले समय में जब ये बनेगा तो आपको एक बहुत अच्छा केंद्र मिलेगा जहां पर आप अपने कार्यक्रमों को कर पाएंगे। लेकिन जब सुविधा मिलती है तो उसको हमें संरक्षण भी करना चाहिए, उसकी सुरक्षा भी करनी चाहिए। एक तरफ इसकी शुरुआत हो रही है और दूसरी तरफ यहां की सड़क, यहां की जल निकासी, यहां के सिवर, इन सब के लिए भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आज एक नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, तो नए उत्तर प्रदेश के नए गोरखपुर का दर्शन भी लोग कर रहे हैं, इसका लाभ भी मिल रहा है। आज सूरज कुंड धाम में देखो कितना अच्छा काम हुआ है, मानसरोवर में जाके देखो, मानसरोवर मंदिर में पहले कितना जर्जर था, कितनी गंदगी रहती थी, आज वहां भव्य मंदिर बन गए, सरोवर बन गए, लोग परिवार के साथ जाकर के दर्शन करने जा सकते हैं। ये मानसिकता पे निर्भर करता है, पिछली सरकारें कब्जा करती थी या सरकार कब्जा मुक्त करवा करके लोगों को सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। पिछली सरकार अराजकता और गुंडागर्दी को प्रश्रय देती थी, ये सरकार अराजकता और गुंडागर्दी से मुक्त एक सुरक्षित माहौल प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध करा रही है। और भाइयों बहनों, उसी उद्देश्य से आज मैं गोरखपुर के अंदर विकसित भारत संकल्प यात्रा के इन कार्यक्रमों में सहभागी बन रहा हूं। हम लोगों ने सुबह 2 बड़े परियोजनाओं को भी गोरखपुर में विकास की ओर देखा है। एक फर्टिलाइजर में एक सैनिक स्कूल बन रहा है, आप सोचिए गोरखपुर में सैनिक स्कूल। पिछले दिनों सहजनवा में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हम लोगों ने अटल आवासीय विद्यालय का लोकार्पण किया था। अटल आवासीय विद्यालय श्रमिकों के बच्चों के लिए, कोरोना कालखंड में जो बच्चे अनाथ हो गए थे उन बच्चों के लिए हम लोगों ने बनाया है।
15 एकड़ के क्षेत्रफल में उनके लिए आवासीय सुविधा भी है, स्टेडियम भी है, छात्रावास की सुविधा है, अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था है, रहना खाना पहनना सब कुछ फ्री सरकार के स्तर पर। कंपटीशन में जाकर के भाग लीजिए, आपको सुविधा का लाभ वहां मिल जाएगा। उसकी 12वीं तक की पढ़ाई का सारा खर्चा सरकार उठाने जा रही है और ऐसे 18 विद्यालय हम प्रारंभ कर चुके हैं और बहुत शीघ्र 57 नए विद्यालयों का शिलान्यास करने जा रहे हैं। आपने देखा होगा अभी परसों हम लोगों ने 928 पीएम श्री विद्यालय का भी शुभारंभ किया है। ये पीएम श्री विद्यालय 1 से लेकर 12वीं तक गरीब के बच्चों के लिए सभी सुविधाओं से संपन्न ऐसे विद्यालयों के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है जो अब तक केवल कॉन्वेंट और पब्लिक स्कूल में दिखाई देता था, उससे भी बेहतरीन सुविधा के लिए भी नए विद्यालय बनाने की कार्रवाई हो रही है। भाइयों बहनों, शिक्षा किसी भी सभ्य समाज को आगे बढ़ाने का एक माध्यम बनेगा। ऐसे ही एक अनुशासित और सुशिक्षित युवा देश को प्राप्त हो, फर्टिलाइजर में एक सैनिक स्कूल के निर्माण का कार्य अंतिम चरणों में चल रहा है। गोरखपुर के बच्चों को उस सैनिक स्कूल में प्रवेश में प्राथमिकता मिल सकती है। आप अभी से अपनी तैयारी करिए और सैनिक स्कूल की पढ़ाई के माध्यम से अपने बच्चे के शानदार करियर के माध्यम से देश की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करिए। आज के इस अवसर पर इन ढेर सारी योजनाओं के लिए एक बार फिर से बधाई देता हूं आप सबको। खिचड़ी मेला और 22 जनवरी की अयोध्या के भगवान राम के भव्य मंदिर के लोकार्पण के लिए अभी से अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं आपको देते हुए विश्वास करता हूं कि आप सब 22 जनवरी को अपने आसपास के मंदिरों में साफ सफाई करने के साथ अपने घर में अखंड रामायण का पाठ और राम नाम संकीर्तन का कार्यक्रम करिए, देव मंदिरों में और अपने घरों में दीपोत्सव का कार्यक्रम करिए और फिर 22 जनवरी के बाद जब अवसर मिले तो अयोध्या का दर्शन करने के लिए आप अवश्य तैयारी करिए, इसकी व्यवस्था भी जरूर करेंगे। आप सबको मैं एक बार फिर से हृदय से बधाई देते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम।